वक्त की बेहद अहम जानकारी से हम आपको रूबरू कराएंगे। ये बड़ी खबर, चंडीगढ़ मुद्दे पर जयराम ठाकुर की प्रतिक्रिया सामने आई है। तो आपको बता दें, हिस्सेदारी का समर्थन लेकिन सरकार का नहीं है, ये लगातार जयराम ठाकुर की ओर से कहा जा रहा है। चंडीगढ़ में बनती है 7.19% की हिस्सेदारी, वार्ता करके निकाला जा सकता है हल। तो आपको बता दें कि जयराम ठाकुर की ओर से ये बयान निकल करके सामने आ रहा है। प्रदेश हित में पहले भी समर्थन दिया है, हासिल करने के लिए निकल पड़े, वो नहीं। 7.9 का जो एक फॉर्मूला, उसके अंतर्गत हिमाचल की दावेदारी है और हिमाचल इस बात को लेकर के हमेशा बात करता रहा है, तो हमने भी बात कही। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम दावेदारी करें और यहां से आंदोलन करके उस दावेदारी को हासिल करने के लिए निकल पड़े, वो नहीं। अल्टीमेटली ये सारी चीज़ों का समाधान किसी एक प्लेटफॉर्म पर होगा, पक्ष रखना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद सारी चीज़ों का समाधान करने की दृष्टि से हमको किस प्रकार से आगे बढ़ना है, इसका कोई मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए। बोलने से नहीं होता है और मुझे लगता है कि उचित प्लेटफॉर्म पर ही बात होनी चाहिए। तो कानून व्यवस्था की तो परिस्थिति यह है कि इन 7 महीनों में 45 के लगभग मर्डर के केस हो गए, 150 से ज़्यादा बलात्कार के केस हैं, और इसके अलावा जो खास तौर से जो घटनाएं विचलित कर देती हैं, जिसमें से एक घटना आप लोगों ने सुनी भी होगी, देखी भी होगी, वो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला में होगी, जहां एक नौजवान के शरीर के 8 हिस्से कर दिए, 8 टुकड़े कर दिए। और अभी 4 दिन पहले की घटना है कि नालागढ़ में खनन माफिया इस कदर हावी हो गया कि दिन दिहाड़े वहां पर गोलियां चलाई गई। लेकिन हम 7 महीने के इस कार्यकाल में देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि 7 लोगों को रोजगार देने में सफल नहीं हुए, लेकिन लगभग आउटसोर्स में, यह निरचौक का ही विषय नहीं है, पूरे हिमाचल प्रदेश में लगभग 10,000 के करीब अब संख्या बन गई।